मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भूत भूत दिखाई दे रहा है कैमरा? चमक रहा हूँ शायद। हाथ ऐसे करूँ? नहीं नहीं आपको पसीना आया, मतलब पसीने वाला हाथ होता है ना दोस्तों, तो ऐसे घुमाना नहीं है मेकअप करने के बाद, और धूप में भी नहीं जाना है, ठीक है? धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो मेकअप अभी हो रहा है, देखते मेकअप के बाद कैसा दिखता हूँ, ठीक है? पता नहीं कभी नहीं किया मैंने, उम्र के 20-22 साल तक तो कंघी पता नहीं थी और पाउडर भी पता नहीं था मुझे, ना के बस ऐसे ही निकल जाता था स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना हो। ये क्या लगा रही हो? प्राइमर है। प्राइमर लगा रही हो दोस्तों, प्राइमर, ठीक है? अपनी बीवी से मेकअप करवाइएगा घर में, और लेडीज लोगों को जो है अपने पति से करवाना चाहिए मेकअप, बाहर करवाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, अपने पति को ही सिखा लिया करो ना, क्योंकि आजकल तो इंसान कुछ भी सीख जाता है चंद मिनटों में, चंद दिनों में, चंद घड़ियों में, ठीक है? क्योंकि गूगल पर, यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है, इसलिए कोई भी काम, कोई भी चीज़ सीखने में ना तो देर लगती है और ना ही अंधेरा होता है, ठीक है? क्योंकि लाइट की सुविधाएं हो चुकी है हर जगह पर। चलो तुम मेकअप करो। हाँ 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 चमक रहा हूँ शायद, आप लोग कमेंट में बताना चमक रहा हूँ या नहीं, ठीक है? वैसे बहुत हंसता हूँ ना तो थोड़ा अलग ही लगता हूँ, मुझे तो लगता है कि बड़ा बड़ी वाली हंसी जब आती है ना तो मतलब मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। हाँ नॉर्मली जब स्माइल करता हूँ, वैसे तो मैं बचपन से एक मतलब बोलते हैं ना वो क्या, हर समय रोता हुआ मुंह बनाता रहता है, उस टाइप का एक्सप्रेशन रहता है चेहरे पर, लेकिन चलो हंसना पड़ता है दोस्तों। चार्ली चैपलिन ने कहा है आप जिस दिन नहीं हंसते हो, मतलब बिना हंसे आपका जो दिन गुजरेगा वो आपकी ज़िंदगी का दिन ही नहीं है, ठीक है? वो आपकी ज़िंदगी का वेस्ट गया हुआ दिन है। तो आज के ब्लॉग में चीकू, ठीक है, और ये मेकअप हाईलाइट के ऊपर रहेंगे, मतलब तैयारी करके जो है हमने, तैयारी मतलब ऐसा तो नहीं है, ऐसे बस दिल किया तो मेकअप करने के लिए बोल दिया। वैसे तो कल वीडियो बनाया था, दूसरा चैनल जो है दोस्तों 6 महीने बाद ही एक्सपोज करूँगा, अभी एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ क्या एग्जैक्टली दूसरा चैनल जो है वो किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऐसे संभाल के क्या कर रहे रे बाबा। वैसे मेकअप से चमकता है शायद इंसान, वरना ब्यूटी पार्लर हर जगह पर थोड़ी ना होते। अब मत करो। ठीक, थोड़ा ऐसे सामने बैठ के करो ना, इधर कैमरे में दिखने तो दो, ऐसे बैठो, नीचे भी नीचे बैठो, इधर का इधर का। देखो दोस्तों ऐसे काट के अगर रोबोट होता ना तो ऐसे दो टुकड़े करके मैं दिखा देता आप लोगों को, जल्दी समझ में आ जाता। वैसे तो फर्क दिखाई दे रहा है एक साइड में, पता नहीं क्या चिपका रही है गाल पे, फाउंडेशन है चेहरे पर, फाउंडेशन है दोस्तों। पहले प्राइमर लगाया जो जेल जैसा है, उसके बाद ये फाउंडेशन लग रहा है, इसके बाद क्या लगेगा? पाउडर। इसके बाद पाउडर लगेगा, ठीक है? और दूसरा चैनल एक्सपोज इसलिए नहीं करना है बिकॉज ऑफ, बस ऐसे ही दोस्तों, कोई रीज़न तो नहीं है, लेकिन अपने जलते हैं दोस्तों। जब भी कोई काम करते हैं ना, तो कोई भी काम शुरू करो ना तो जब तक सफल ना हो जाओ उसके बारे में किसी को ना बताना,
एटलीस्ट अपनों को, सारी दुनिया को पता चल जाए लेकिन अपनों को कभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अपने ही होते हैं जो नमक छिड़कते हैं, ठीक है। आग लगाने वाले सिर्फ अपने ही होते हैं, गिने चुने बस 100 में एक ही आदमी होता है, एक या दो ऐसे जो घर में रिश्तेदार में जो तुम्हें बहुत दिल से चाहता है, तुम्हारे सक्सेस की जो है दुआ करता है, ठीक है। आज बहुत बातें याद आ रही है, मतलब पता नहीं क्यों याद आ रही है। वैसे तो मुझ में है टैलेंट, पहले भी मैंने कहा है आप लोगों को, कैमरे के सामने बोलने में ना जो अनकंफर्टेबल फील होता था ना, वो अब बस थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा है और चंद दिनों में जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आप लोगों को इतना एंटरटेन करूँगा दोस्तों, इतना एंटरटेन करूँगा कि मैं हंसूँ या ना हंसूँ आप लोगों को ज़रूर हंसाऊँगा। मेरा दिन चाहे कैसा भी हो आप लोगों का दिन जो है मैं खूबसूरत ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। इतना लपेटते हैं क्या? हाँ, और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा ना। बंद करो। नहीं तुम मेकअप करो, मैं उसको भगा देता हूँ एडिटिंग करते वक्त। स्पीड स्पीड। पता नहीं कैसा बंदर बना रही है, अलग ही लग रहा है। मुझे इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना इससे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भूत भूत दिखाई दे रहा है कैमरा? चलो देखते हैं बाद में। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। दोस्तों गाना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो गला इतना अच्छा नहीं है कि सिंगर बन जाऊं, लेकिन हर खूबियां पालता हूं दोस्तों, चाहे गला कैसे भी क्यों ना हो गाना ज़रूर गाता हूँ। सोशल मीडिया के लिए नहीं गाता, बस घर में खुद के गाने नहीं दोस्तों, जो पहले से बनाए रखे हैं वो गाने। ऐसे तो कविताएं भी लिखता हूँ मैं, है मुझ में वो भी टैलेंट है कविताएं लिखने का, लेख लिखने का, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी को इतने करीब से एक्सपीरियंस किया है ना दोस्तों, मतलब ज़िंदगी का इतना बड़ा अनुभव लिया है ना मैंने इतनी कम उम्र में, कि धीरे धीरे हर चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीज़ें एक ही बार बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। क्या हो गया? पाउडर ही गिर गया। तो क्या हुआ, गिरने दो ना। आग बंद करो। एक उम्र होती है दोस्तों, उस उम्र में जो है ना, चाहे आप इंस्पिरेशनल कितने भी वीडियो देख लो, कितना भी मोटिवेट हो जाओ, कोई भी प्रवचन सुन लो, लेकिन आपने जो कर्म किए हैं ना उसी कर्म पर जो है ना आपको चलना पड़ता है। जाने अनजाने में आप लोगों के अंदर आग उठती भी है मोटिवेशनल वीडियोस देख के, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ के, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना 2 दिन में आग ठंडी हो जाती है और इंसान जो करने के लिए मतलब उसके अंदर से जुनून जागता है ना वो कर ही नहीं पाता एक्चुअल में, बिकॉज
प्रकृति के आगे कोई जा ही नहीं सकता और उसको पलट नहीं सकता। हमारे कर्म जो है ना, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगले मतलब पिछले जन्म में आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी दोस्तों एक ही चीज़ पे कायम है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और उम्मीद, ठीक है। ये दोनों बातें जो है ना, दो वर्ड्स बहुत ज़रूरी है जब भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ठीक है। तो उम्मीद बनाए रखिएगा किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए, ठीक है। कितनी बार भी गिरो, थकना नहीं उसको, ठीक है, पीछे हटना नहीं है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। अभी मतलब थोड़ा स्किप किया हुआ है, थोड़ा इधर उधर घूमने में जो है ना टाइम नहीं मिलता है तो, लेकिन मेरे अंदर बहुत से शौक है और बहुत मज़ा आता है दोस्तों। मतलब एंटरटेन होके करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करता हूँ, ठीक है। फिट रखना मुझे पसंद है खुद को, और ये देखो मुझसे डबल फिट है। तो गाइस अभी मेरा मेकअप हो चुका है, मैं कुछ मतलब गोरा लग रहा हूँ, या मतलब वो दिवाली का जो होता है ना फटाके के अंदर का वो लग जाता है, लगा देते हैं, तो वो बारूद के जैसा लग रहा हूँ। वो बारूद के जैसा चेहरा लग रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों, हाँ मैं मतलब क्या करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो 8 बजे 7 बजे उठता हूँ, पहले 5 बजे भी उठता था। 2 बार विपश्यना करी है मैंने, 10 दिन के कोर्स किए हैं, और उस कोर्स में दोस्तों हमें सुबह 4 बजे उठाया जाता है। उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे अलग से, कैसे करूं इसे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ही लग रहा है, मैं मेरे YouTube फैमिली से बात कर रहा था, तुमने ये क्या लपेटना शुरू कर दिया मुंह पर। आप रोज मेकअप किया करो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आग बंद करो ना, आग बंद कर दो मिनट। डन। तो फाइनली दोस्तों मेकअप मतलब डन हो चुका है, डन, ठीक है। तो थोड़ा जूम करो तो मतलब देखने दो, मतलब कैसे लग रहा हूँ मैं। चमक रहा हूँ शायद, हाथ ऐसे करूँ नहीं, नहीं आपको पसीना आया, मतलब पसीने वाला हाथ होता है ना दोस्तों, तो ऐसे घुमाना नहीं है मेकअप करने के बाद, और धूप में भी नहीं जाना है, ठीक है। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। अरे याद ही नहीं रहता मुझे तो, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो मतलब आज के ब्लॉग के लिए यहीं पर ये मेकअप की जो प्रोसेस है उसको बंद करते हैं। मेकअप तो हो चुका है, ठीक है। तो दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाना है तो वो वीडियो पहले बना लेते हैं, और व्लॉग तो और बनते ही रहेंगे, ठीक है, हर रोज़ आप लोगों के लिए। अच्छा लग रहा हूँ, ओके। लिपस्टिक लगा रहे हो क्या? क्या है ये? लिप बाम है। नहीं वो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। फिर ऐसे करो। ये लिप बाम भी बाम नहीं चाहिए, मेरे होंठ बहुत ही खूबसूरत है। पहले देखा साइड का पूरा कर दिया क्या? क्या बना दिया मुझे? सफेद कौवा।
अच्छा लग रहा है। चलो कैमरा बंद कर दो अभी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit.